एकदम मस्त वाले ना, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मीडियम साइज के 3 आलू ले लिए हैं और उनको इस तरह से बॉईल करना नहीं है बल्कि छीलकर और इस तरीके से कटर से इनको काट कर लेना है। तो ये कटर है, ये जो बारीक वाली है, तो इससे मैं ये कटिंग कर लूँगी सारे आलू। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर कटिंग करके रखे हुए हैं आलू को, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर लिया है, देखिए। और ये यहाँ पर देखिए बेसन लग रहा है हल्का सा, क्योंकि अभी पकौड़ियाँ बनाई थी इसीलिए इस पर लग गया है। तो अब सबसे पहले हमें एक कटोरी ले लेनी है, और कटोरी में हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च डालेंगे, और या फिर आप अरा रूट ले लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, और ये मैं 1 से 2 चम्मच यहाँ पर डाल दूँगी। आप जितना भी बनाना चाहें उतने हिसाब से आप ले सकते हो। मैंने 2 चम्मच यहाँ पर ले लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें से निकाल भी लिया है। अब देखिए हम इसका घोल बना लेंगे, तो इसमें पानी डालते हुए अच्छे से। और देखिए पहले मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है, नमक यहाँ पर स्वाद के अनुसार डालें, ज़्यादा ना हो जाए ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पानी डालकर हल्के हल्के इसको मिक्स कर देना है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला हमें बनाना है। इस तरीके से अच्छे से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी, इसमें लम्स ना पड़ जाए ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके का मैंने बना लिया है ये। और थोड़ा सा भी मुझे ये पतला लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें और डाल लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला हो गया ना, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ। आप बिल्कुल बस इतना ही हमें रखना है कि आलू को ये छूकर निकल जाए, इस तरीके का हमें ये बैटर तैयार करना है, ठीक। उसके बाद चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिए इतना पतला मैंने बैटर बना लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी, देखिए थोड़ी सी अजवाइन मैं यहाँ पर डाल दूंगी। ये थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाल दी है खुशबू के लिए, और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। बस ऐसे ही मैं डाल रही हूँ, कोई भी मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा हम डाल देंगे जंजीरा पाउडर। सबसे पहले तो इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएँ। जो भी चीज़ आपको डालना है इसमें, तो डालते ही आप इसमें घोला मार दीजिए, बल्कि क्या होगा यहाँ पर लम्स पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। एक एक करके ही आप इसमें बैटर में डालते रहें और उसको घोलते जाएं, इससे क्या होगा इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और काफ़ी आसानी से हमारा घोल बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जंजीरा पाउडर डाल लिया है, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए मैंने नमक का कम यूज़ किया है। अगर आप जंजीरा पाउडर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो फिर नमक आप अपने हिसाब से डालें, ठीक है, क्योंकि जंजीरा में भी नमक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से घोल बना लिया है। अब सबसे पहले देखिए कढ़ाई पर चलते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही तेल गर्म हो रहा था क्योंकि हमने पकौड़ियाँ बनाई थी। उसके बाद देखिए एक एक आलू को हमें लेते जाना है, इसमें डुबोकर इस तरीके से कर देना है। आपको ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता ही है ये पकौड़े जैसे लगेंगे। अभी हम इसका चिप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डालकर अच्छे से इसके हम चिप्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आलू भी मैंने काफ़ी पतले पतले यहाँ पर कट किए हैं। तो एक एक करके ऐसे ही डालते जाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। कलर पर ना जाएं आप, कलर थोड़ा सा हाँ हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले आलू हैं यहाँ पर ना, इसीलिए यहाँ पर जल्दी जलने का चांसेस रहता है आलू का। तो जल्दी से जल्दी इनको चलाते जाएं, पलटते जाएं, अच्छे से इनको निकालते जाएं। अगर आप इसका कलर थोड़ा सा आप कलर ना अगर ऐसा छोड़ दोगे कि ये गंदा कलर ना दिखे, तो इससे क्या होगा ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको क्रिस्पी बनानी है यहाँ पर, तो अच्छे से इनको पका लेना है आलू को, वरना ये फुसफुसे हो जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब कलर चेंज होने तक मैंने पकने दूंगी अच्छे से। अब
अगर आपको चिप्स बनाना है तो एक तरीका और है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी देखिए मैंने आधे निकाल भी लिए हैं, इस तरीके से जो भी होता जाएगा मैं एक एक करके इसमें से निकालती जाऊँगी, क्योंकि एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए कोई जल्दी हो जा रहा है और कोई अभी तक नहीं हुआ है, तो इस तरीके से हमें निकालते जाना है। अगर आपने ये वाइट वाइट कलर के छोड़ दिए ना, थोड़े से हल्के ब्राउन होने तक आपने अगर ये निकाल लिए, तो ये फुसफुसे रह जाएंगे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे पापड़ हमें ऐसे ही निकाल लेने हैं। धूप में सुखाने से बेटर है कि आप इस तरीके से ये चिप्स बनाएं, घर पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से हमें और डाल देना है यहाँ, और ऐसे ही हमें सारे पापड़ निकाल लेने हैं। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी ये गुजारिश है, अगर आपको हमारा चैनल ज़रा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं पहले ब्लॉग वीडियो शूट करती थी, लेकिन अब मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि रमज़ान है ना, इसीलिए। तो उसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले ये दिखाओ वो दिखाओ, तो पूरा सारा दिन का ब्लॉग बनाना होता है, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तो अभी सिर्फ आपको ये डिश बनाकर दिखा रही हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा रही हूँ। तब तक के लिए इनको एंजॉय करती रहिए। इंशाल्लाह ताला मैं ईद पर ब्लॉग बनाऊँगी, या फिर हो सकता है मैं रमज़ानों के बीच में ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। और इनकी आवाज़ कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बना लिए हैं, एकदम मस्त वाले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं में। देखिए आपको खाकर दिखाती हूँ, मुझे तो चिप्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।